life. The secret of your life. नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपका ये अपना एपिसोड है प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का। आप अपना परिवार हो और जब घर की बात हो रही हो तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन जो है वो कहीं और नहीं आ सकते। ये एपिसोड जब हम करते हैं, आप चाहे अपने बेड पे बैठे हो, हाथ में रिपोर्ट हो, हाथ में चाय हो, या फिर आप खाना खा रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही बैठे हैं, या फिर आप कोई और जरूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये एपिसोड आता है तभी आप जो हैं वो सामने आके बैठ जाते हैं जी, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब को सुनने का मौका मिल रहा है। और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे में पेशेंस लेवल है ही नहीं, मेरे में बिल्कुल पेशेंस लेवल नहीं है। कोई इंसान 2 या 3 मिनट बोल रहा है तो मैंने उसके आगे चैनल जो है वो चेंज कर देना है। लेकिन मैं तब हैरान होती हूँ जब प्रोफेसर साहब को आधा घंटा तो लोग सुन रहे हैं, विदाउट ब्रेक सुन रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि उनके जो रिपीट एपिसोड्स आते हैं उनको फिर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोग इस प्रोग्राम को, इस वजह से ऐसा है। और थोड़ी बहुत जो प्रोफेसर साहब की पॉपुलैरिटी भी जो है वो उसका हिस्सा मुझे भी मिल जाता है, जो थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिल जाता है। प्रोफेसर साहब की पॉपुलैरिटी तो बड़ी है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जो हिस्सा है मुझे भी मिल जाता है कि लोग मुझे भी सुनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात यह है, प्रोफेसर साहब की अब रिश्तेदारी की बात करें तो रिश्तेदारी तो नहीं है किसी से, ना ही ये प्रोग्राम देखने का आपको कोई पैसा मिल रहा है, कोई फल मिल रहा है। फल उस तरह से मिल रहा है कि आपके घरों में जो खुशी आ रही है, उस खुशी के नाते, उस विश्वास के नाते आप ये एपिसोड देखते हो। सो बेसिकली वो कहते हैं अंग्रेजी में, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक है, आपको प्यार और विश्वास मिल रहा है तो ही आप प्यार और विश्वास दे रहे हो। तो ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास जो है बनाए रखिए। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन पे आप कॉल कीजिए और अपने प्यार और विश्वास का रास्ता जो है आप और ज्यादा खोलिए और नजदीक आ जाइए, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत है और कष्ट भगवान ना करे कि आपके लिए लिखे हों, लेकिन अगर लिखे हैं तो पूरी कोशिश की जाएगी प्रोफेसर साहब की तरफ से कि उनको दूर किया जाए। और आज का जो ये एपिसोड है, बहुत बार कर चुके हैं हम स्टोन्स के ऊपर एपिसोड, लेकिन एक एपिसोड नहीं किया, एक एपिसोड नहीं किया, क्योंकि प्रोफेसर साहब इतने ज्यादा ज्ञाता हैं स्टोन्स के ऊपर, इतनी ज्यादा पढ़ाई और रिसर्च कर चुके हैं। तो आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ क्या आज तक वैसे ही चलता आ रहा है कि आज दुकानदारी है, ये पूछेंगे ताकि आप धोखा ना खा जाएं। आपके लिए है ये। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपने स्टोन्स के ऊपर भी पढ़ाई कर रखी है, मतलब आपकी मैं डिग्रीज उस दिन देख रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ऐसे 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 करके इतनी तक चढ़ाई हो रखी थी आपकी डिग्रीज की। तो कुछ कुछ डिग्रीज मैंने देखी, उसमें मैंने स्टोन्स वाली डिग्री भी देखी, नाम मुझे नहीं याद रह जाते कि कौन कौन सी डिग्री थी, लेकिन स्टोन्स के ऊपर थी वो, जेम्स पे स्टोन्स पे थी। तो प्रोफेसर साहब, डिग्री में ये भी तो बताते होंगे या आपने रिसर्च की होगी कि कहाँ से स्टोन्स की शुरुआत हुई, कैसे पता चला कि कौन से स्टोन से क्या ठीक होगा, और जब पता चला उसके बाद जो ज्योतिषी हैं जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वो लोगों को ऐसे ही बताएं, क्या वो वैसे ही बता रहे हैं लोगों को? बहुत अच्छा पूछा अपनी जी आपने। पहली बात आपने ये पूछी कि स्टोन्स की शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत अच्छा पूछा। दूसरा, क्या आजकल क्या वैसे ही बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आजकल सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। मैं आप सबको ये बता दूँ, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में सब में ये बात मशहूर है, प्रोफेसर साहब के पास स्टोन बहुत बढ़िया होते हैं, ये बात मशहूर है, क्योंकि वो सब बोलते हैं कि लेना आपसे ही है। चाहे कई दफ़ा हमें फ़ोन भी आते हैं, हम नहीं देते, हमें फ़ोन बहुत आते हैं कि हमें स्टोन चाहिए, ऐसा दे दो, हम नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी पहले ये कोशिश होती है, पहले मैं आपकी पत्रिका देखूँ, वहाँ देखूँ क्या आपको पढ़ता है या नहीं, अगर पढ़ता है तो ये डालिए आप, वो बात की बात है। इन्होंने शुरुआत की, क्या ये शुरुआत कहाँ से हुई स्टोनों की? चलो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं गाथा सुनाऊंगा, छोटी सी गाथा सुनाऊंगा, क्योंकि गाथा के बिना हमारा एपिसोड साकार नहीं होता, गाथा पहले हो तो समझना आसान होता है। राजा बलि के तो आपने सुना होगा, राजा बलि 52 अवतार विष्णु भगवान जी ने दिया था। ये मैं बातें करता हूँ, ये किताबों की पढ़ाई नहीं है, ये वेदों की पढ़ाई है, ये किताबों की पढ़ाई नहीं है, ये जो हमारे वेद धर्म ग्रंथ हैं उनकी पढ़ाई है। आजकल मैंने
एक पंडित बुला रखा है, वो वेद पढ़ के सुनाता है मुझे, अच्छा उच्चारण है उसका, मैं उस सुनता हूँ। वेदों की पढ़ाई है ये आम पढ़ाई नहीं है। मैंने, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत पुराना एक बुजुर्ग पंडित था, उसकी उम्र थी 105 साल, वो अब नहीं रहे। मैंने कहा पंडित जी मुझे ये बताइए, सच बताइए दिल से, आजकल तो हमारे पास शाही आ गई, इंक आ गई, धरती हमारी 4 अरब साल से घूम रही है, यानी कि जनजीवन कम से कम 3500 से जनजीवन हमारे पृथ्वी के ऊपर है, 3500 खरब साल से। इतनी पुराने वेद हजारों सालों से इतने पुराने वेद किस शाही से लिखे होंगे, किसने संभाले होंगे, ऐसा कभी कुछ है? वो बोला उन्होंने नहीं। तब क्या हुआ करता था, जैसे कि आपने पढ़ा, दो बातें पढ़ ली, मुझे याद हुई, मैंने आगे बताई, वो बातें पढ़ ली, उसे याद हुई, उसने आगे बताई, वो बातें पढ़ ली, उसे याद हुई, उसने आगे बताई। जब एक बंदे के पास बात जाती है, दूसरे बंदे के पास बात आती है, वो बात कम होते 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 बहुत कम रह जाती है, सच्चाई उसमें थोड़ी सी रह जाती है। इसी तरीके से मुझे, बहुत बुजुर्ग पंडित था वो, उसने बताया कि ये जो वेद बहुत बड़े बड़े थे, अब छोटे रह गए, बहुत सी सच्चाइयां ऐसी है जो छुपा दी गई हैं, बहुत से ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भी हमारे ऐसे हैं जो छुपा दी गई हैं, इसीलिए बहुत सी सच्चाई है जो छुपा दी गई, उसमें से गाथाएं पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं, ऐसी धर्म ग्रंथों से गाथाएं पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। राजा बलि था, प्रहलाद का पोता, प्रहलाद तो सुना होगा आपने, प्रहलाद का पोता था राजा बलि, शुक्राचार्य उसका गुरु था। जब राजा बलि के पास, कहते थे देवताओं राक्षसों की लड़ाई हमेशा रहती थी, शुक्राचार्य कहते आज के बाद लड़ाई नहीं होने दूंगा, मैं इसी सिंहासन पर बैठ के आपको विजय दिलाऊंगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इंद्र का हासन आपको इसी बैठे यहां पे मिलेगा, मैं 100 यज्ञ करवाऊंगा आपसे। शुक्राचार्य, इतनी ताकत थी शुक्राचार्य में। जब 99 यज्ञ हो गए तो विष्णु भगवान जी ने 52 अवतार लिया, वो भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास गए। सुनिए बहुत ध्यान से, वो भिक्षा मांगने के लिए जब राजा बलि के पास गए तो शुक्राचार्य तो जानी जान थे भाई, उसने बताया राजा बलि को, अरे भाई इसको भिक्षा मत देना, अगर इसको भिक्षा दे दी इसने तेरे को नरक भेजना है, ये तेरे को नरक भेजने के लिए आया है, ये विष्णु भगवान है। कहता है राजा बलि के घर अगर विष्णु भगवान आए हैं तो फिर मैं जरूर दूंगा। कहता परलोक में लोक के स्वामी हमारे घर मांगने के लिए आए हैं, मैं जरूर दूंगा तो फिर भिक्षा, मैं नहीं। उसने समझाया ये तेरे को नरक भेज देगा मत कर। कहता तू पीछे हट जा, मैं भिक्षा दूंगा। कहता नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं माना, उसने अपने गुरु का कहना नहीं माना। वो फिर गुरु ने क्या किया, जो कलमंडन होता है पानी का, जिससे हम कहते हैं प्रण लेते हैं, पानी डाल के उसमें घुस गया। तो राजा बलि कहने लगा मांग, क्या मांगता है? विष्णु भगवान कहने लगे मुझे 3 पग पृथ्वी के चाहिए, 3 पग, ओनली 3 पग चाहिए पृथ्वी के। कहता है दी आपको। कहता है ऐसे नहीं, संकल्प कीजिए। उसने कलमंडन में लाया पानी, क्योंकि वो नाड़ी के बीच में अगर पानी आए ना, ये संकल्प ना ले सके। उसने क्या किया फिर, कहता क्यों पानी नहीं आ रहा, पानी तो है बीच में, वो बीच में नाड़ी के बीच में शुक्राचार्य घुसे हुए थे। उसने फिर एक जो कहते तीरा लिया, वो कलमंडल के बीच में मारा तो शुक्राचार्य की आंख पर लगा, तभी तो कहते हैं शुक्राचार्य काने हैं, आंख के बीच में से पानी आया। फिर उसने संकल्प लिया 3 पग आपको पृथ्वी के दे दिए। विष्णु भगवान ने फिर अपना रुद्र रूप दिखाया, वो अपना वही रूप दिखाकर 1 पग में पृथ्वी ले ली, 2 पग में लोक ले लिया,
जब वो ऊपर पग करने लगे तो ब्रह्मा जी ऐसे बैठे हुए थे, जब ब्रह्मा जी के बर्तन में से उसका पग निकला विष्णु भगवान जी का, ब्रह्मा जी समझ गए ये विष्णु भगवान है, उन्होंने पानी को पैर से धोया। कहते अब तीसरा पग तो रखने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं, अब तू नरक जाएगा, क्योंकि मैंने तीन पग मांगे थे, तीसरा पग नहीं है, चल नरक तू। कहता रुक जाओ स्वामी, राजा बलि कहने लगा रुक जाओ भगवान, तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रखिए, मैं नरक नहीं जाऊंगा, तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रखिए। उन्होंने तीसरा पग सिर के ऊपर रखा, धरती में घिसो दिया राजा बलि को। जब धरती में अंदर गए तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो खून था बहने लगा, जो रक्त है उससे मानिक बने, उससे मूंगा बना, जो हृदय का खून है उससे मानिक बना। एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये सारी बातें आपको उस रिसर्च के दौरान पता चली या आपने पढ़ाई की या फिर इसके बाद जो ट्रेवल करते रहते हैं या आपके गुरु थे उन्होंने बताई? ये सारी बातें मुझे वेदों से मिलती हैं, मैं सर्च करता रहता हूँ। मुझे शौक है धर्म ग्रंथ पढ़ने का, मुझे शौक है, मैं मेरा दिल करता है मैं धर्म ग्रंथ पढ़ूं, पुरानी हिस्ट्री, मुझे पुरानी हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो ऋषियों मुनियों की कहानी में पढ़ता हूं मैं उसी में बीच में ही बैठा हूं। अगर कोई भी इंसान कोई भी विद्या लेना चाहता है किसी किस्म की भी, अगर उसमें प्रवेश नहीं करेगा वो कभी भी किसी किस्म की विद्या नहीं ले सकता। मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश कर चुका हूँ, इसलिए एस्ट्रोलॉजी मेरे कन कन में है, मेरी नस नस में है, इसलिए ऐसी धर्म की बातें मेरे नस नस में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें मैं करता हूँ मेरे अंदर से आत्मा से निकलती है ये जो बातें हैं। ये जो पुखराज बना हृदय का ऊपरला हिस्से से, ये चमड़ी से क्या कहते हैं नाखून से लुसनिया बना, ऐसे हमारे जितने भी रत्न थे आंखों की चमक से हीरे बने मोती बने। इसीलिए जो कहते राजा बलि के टुकड़े हुए उससे ये रत्न बने, और जो वास्तु वो धरती का वास्तु बना, राजा बलि का फटा हुआ शरीर वो वास्तु बना, वहां से चला ये हीरे मोतियों का सफर, वहां से ये सफर शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं हीरे मोती रत्न जो होते हैं ओरिजिनल होने चाहिए, ये जो मोती हीरे होते ना ये जितने भी होते हैं ये कहते हैं अमीर बंदे की निशानी होती है, रिच रॉयल्टी दिखाते हैं। लेकिन आजकल तो नकली पहन के रखे हैं सब, जाले वाले रेशे वाले। कभी किसी ने किताब पढ़ी रत्नों की? मैं लिख रहा हूँ रत्न के बारे में बड़ा ब्रीकी में बताया गया है। अगर कहीं आप पुखराज रहते हो उसमें लाइन आती है, सब बोलते हैं रेशा जी रेशा है जी रेशा है, वो रेशा नहीं होता, बीच में से तिड़के होते हैं, बीच में से लाइनें अगर होती हैं वो ओरिजिनल होता जरूर है लेकिन फटा हुआ, और जब उसको हीट करते हैं फट जाते हैं, फटा हुआ होता है ये नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी हीरे मतर रतन जवाहर लाल जितने भी होते हैं ओरिजिनल ये बिल्कुल साफ क्लियर होने चाहिए। यहां से शुरू हुआ रत्नों का सिलसिला, यहां से शुरू हुआ था। ये क्यों नहीं वर्क करेंगे? राजा बलि के ही अंग के हिस्से हैं ये। राजा बलि प्रहलाद का पोता, राजा बलि जिसके दीवार पे आज भी विष्णु भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते हैं, सुना है ना? 4 अरब साल से विष्णु भगवान जी राजा बल के दरवाजे पे अभी भी खड़े हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। वो इतना बड़ा राजा था, क्यों ना हो भगवान उसके दर पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वहां से राजा बलि का सफर शुरू हुआ था। शुक्राचार्य पहले देवताओं राक्षसों में लड़ाइयां जंग होती ही रहती थी। इंद्र सिंहासन के लिए सब देवताएं जितने भी राक्षस हैं मरते गए हैं, और ऐसे ये देवताओं की लड़ाई नहीं है, आज भी यही लड़ाई है। कहते हैं चलो फिर वही बात आ जाएगी पॉलिटिक्स की, जो इंद्र का सिंहासन माना जाता है वो दिल्ली का सिंहासन माना जाता है हमारे हिंदुस्तान का। कितनी लड़ाइयाँ कितने जंग आई, कौन गया? मुगलों ने, डच, बंगोल, पुर्तगाल, अंग्रेज, कितने आए, फ्रांसिस, कितने, सब आए, सब चले गए, कोई नहीं रहता, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो चाहे वो आम इंसान, लेकिन जूझ रहे हैं। चलो बात करते हैं रत्नों की।
ये जो रत्न अकेला रत्न, चल मुझे ये बताइए आप अगर किसी इंसान को अकेला बैठा देते हैं, ये काम अकेले में करना है, वो बेचारा कर करके बोर हो जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। इसलिए अकेला रत्न नहीं पहनना चाहिए, उसकी सपोर्ट पहननी चाहिए, उसका मित्र, अगर उसके साथ मित्र बैठा दिया जाए, चलो आप दोनों ने काम करना, वो हंसते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे। इसलिए जितने भी स्टोन वर्क करते हैं उसका अगर साथी, अगर मित्र साथ में पहनाया जाए तो ही वर्क करते हैं। मेरे पास बहुत लोग करते हैं, आप इसका मित्र पहनाइए, मैंने कहा नहीं, पहले मैं इसे योग्य बनाऊंगा आपको, कि आपको स्टोन पहनाने की योग्य बनाऊं, फिर उसके बाद मित्र बनाता हूं। यहीं से शुरुआत हुई थी। फिर इसकी परख बहुत मुश्किल है, यहां तक तो ग्लास फिलिंग आती है आजकल मार्केट में, यहां तक तो जितने भी रत्न आते हैं ज्यादातर चाइनीज आ रहे हैं, ज्यादातर क्या आते हैं, थाईलैंड के आते हैं, हीट किए हुए, गर्म किए हुए पुखराज, पीले रंग के, गलत, झूठ, जितने भी पीले रंग के पुखराज आपने पहने हैं सब नकली हैं। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जितने भी पीले रंग के स्टोन आपने पहने हैं सब नकली हैं। पुखराज कभी पीले रंग का नहीं होता, वो कच्चे पीले रंग का होता है। पुखराज कभी पीले रंग का नहीं होता, वो कच्चे पीले रंग का होता है, लाइट कलर का होता है। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से स्टोन पहन रखे हैं, सभी नकली हैं। ओरिजिनल स्टोन चाहे एक पहनिए, और स्टोन वर्क करते हैं, क्यों ना वर्क करना, राजा बलि के अंग के हिस्से हैं ये तो, बहुत बड़े देवताओं ने भी पहने हुए थे, हमारे भोले शंकर ने भी पहने हुए थे, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, शेषनाग मणि, ऐसे रत्न पहने हुए थे भोले शंकर। जब पंचतरणी में, जब वो गुफा में जाने लगे थे, उन्होंने पंचतरणी में पांचों रत्न अपने बहाए थे, जब वो कथा सुनाने गए थे, अमर कथा, बहुत सी कहानियां हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वो धीरे धीरे आपको सुनाता रहता हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि आपको पिछला जमाना याद कराऊं, जो आप भूल चुके हैं, जो आप याद नहीं करते। प्रोफेसर साहब, कुछ ना ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या ज्वेलर्स जो है वो कह देते हैं ये सिर्फ हमारे पास है, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, और वाकई में कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो रेयर होते हैं, जो नहीं मिलते हैं। तो फिर अगर रेयर होते तो उनके पास कहाँ से आते हैं? पुनीत जी, अगर वो रेयर स्टोन बताते हैं, वैसे के जैसे के बता देते हैं, जी सूर्यकांत मणि है ये, कुछ नहीं होता सूर्यकांत मणि, वो तो पुरानी बातें थी, वो तो खत्म हो चुकी हैं। सूर्यकांत मणि नहीं मिलती, सूर्यकांत मणि खरबों रुपयों के से भी नहीं मिलती। वो आजकल क्या करते हैं, कांच को उसकी कटिंग करते हैं, उसकी ग्लासी की बिल्कुल कटिंग करते, कांच की कटिंग करते हैं बिल्कुल व्हाइट कांच की, और उसको ग्लास दे, ये देते हैं नाम दे देते हैं सूर्यकांत मणि। ये हमारे पास ही है, बेचारा ढूंढता रहता है बाजारों में, सूर्यकांत मणि है, उल्टे सीधे नाम रखे हुए हैं, ये हमारे पास ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। रत्न सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं, 84 रत्नों में से 9 रत्नों को मायने दिया गया है, क्योंकि 9 हमारे ग्रह हैं। वैसे तो बहुत है, टाइगर है, ये बहुत से स्टोन ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर से मनाया जाता है, सितारा है, बहुत से स्टोन ऐसे हैं, ये 84 रत्न हैं। वैसे तो 84 रत्नों में से मान्यता 9 रत्नों को ही दी गई है। 9 रत्न कौन कौन से बताता हूँ, पुखराज गुरु का, नीलम शनिदेव का, मानिक सूर्य का, मानिक जिसको रूबी बोलते हैं इंग्लिश में, सूर्य का, पन्ना किसका है, बुध का, लुसनिया केतु का, गुमेद राहु का, राहु केतु के स्टोन नहीं पहनने चाहिए, और चंद्र का, मोती, शुक्र का, हीरा, हीरा ले सकते हो और उपल भी ले सकते हो, और मूंगा मंगल का। ये हमारे 9 रत्न हैं, और ये 9 रत्न हमारे 9 ग्रह से के साथ मेल खाते हैं, यही होने चाहिए। जो भी आप बाहर से लेते हो ये हमारे पास ही मिलेगा या ऐसे मिलेगा, ये आपको लूटने के लिए बातें हैं। रत्न कोई भी लो, कहीं से भी लो, बिल्कुल साफ क्लियर। आजकल तो सर्टिफिकेट भी नकली बनने लगे हैं। हमने जी कार्ड लिया था, ऐसा कार्ड, ये कार्ड है हमारा, 100-200 रुपये में कार्ड बहुत से मिलते हैं, नकली स्टोन के ऊपर भी कार्ड छाप के दे देते हैं। रिपोर्टें, या तो रिपोर्ट करवाइए जयपुर से, जयपुर की रिपोर्ट या ओरिजिनल होती है, और भी रिपोर्ट कुछ ओरिजिनल बैठे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर नकली स्टोन बिकते हैं, स्टोनों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आजकल किसके ऊपर भरोसा करें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। आजकल तो वही है जो अपना आपको अपना समझता है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। स्टोनों की में बहुत भेद है, बहुत नकली है,
उसमें कोई भी कहना है असलियत ढूंढने के लिए उसके बीज में से घुसना पड़ेगा। मेरे को इसलिए डिग्रियां करनी पड़ी क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे साथ धोखा ना हो, अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो मैं भी आगे वही करूँगा। इसलिए मैंने पहले जो काम किया उसकी पहचान करने के लिए बहुत साल मेरे लगे। यही एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए 14 साल की स्टडी मैंने की, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि अभी भी एस्ट्रोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कोसों दूर है। अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई पूरी नहीं होती। अभी भी वेद खोल के बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अभी भी उसमें हल ढूंढता रहता हूँ। अभी भी गीता के ग्रंथ याद करता रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ, कहीं पर भी टूर लगाता रहता हूँ, बड़े बड़े हिमालय के पर्वत पर जाता हूँ, वहाँ से ढूंढ के लाता हूँ ऐसा कैसे निकला, हिमालय में ही क्यों, ऐसा जम्मू में ही नीलम क्यों ऐसा मिलता है, उसमें नीलम बढ़िया क्यों मिलता है, उसके पीछे बता दूँ क्या राज है। अरे भाई जितने भी देवी देवताएं हुए हैं हमारे वहीं पे ही हुए हैं, भोले शंकर जी वहीं पे बैठे थे और भोले शंकर जी के वहाँ पे भक्ति करने कौन गया था, शनिदेव, भोले शंकर जी शरण में रहे थे, इसलिए जम्मू का नीलम बहुत माना गया है। आपको पता है श्रीलंका का नीलम भी बहुत अच्छा निकलता है, क्यों निकलता था, क्योंकि रावण जी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भोले शंकर जी को बहुत तप किए थे उन्होंने श्रीलंका में भी। बहुत ऐसे रहस्य हैं जो कोई नहीं जानता, ऐसी रहस्यों का खुलासा करने के लिए आपके सामने आता हूँ, जो ब्रीकी में ऐसी बातें बताता हूँ जो आज तक आपने नहीं पे कहीं पे पढ़ी ना ही जान पाए। स्टोनों में बहुत भेद हैं, अगर कोई भी स्टोन लेना चाहते हो तो उसके बिल्कुल क्लियर देखिए, शीशे की तरह साफ हो, लेकिन हो आपको ये सब कुछ बता दूँ, जितना भी ग्लास होता है वो भारी होता है और जितना प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है। स्टोन जो है दोनों का बीच में होता है, स्टोन ना भारी होता है ना हल्का होता है, इसलिए वजन से ही हमें पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कटिंग से ही पता चल जाता है। लेकिन आजकल तो ग्लास की कटिंग भी ऐसे करने लगे हैं जैसे हमें पुखराज की कटिंग करते थे, हमें पता चल जाता है जो जिन्होंने डिग्रियाँ कर रखी हैं। स्टोनों में बहुत बड़ा भेद है, लेकिन अकेला स्टोन कभी कुछ नहीं करता, उसके साथ उसकी स्पॉट को जरूर पहनना चाहिए। क्या पन्ना पहनना चाहते हो, बेरियल का पन्ना पहनना चाहते हो, कोलंबियन का पन्ना पहनना चाहते हो, स्पोटा पन्ना पहनना चाहते हो, जाम्बिया पन्ना पहनना चाहते हो, देखिए पन्ने में ही कितनी वैरायटी है। इसी तरीके से हमारे पुखराज की कितनी वैरायटी है, कोलंबियन का पुखराज और किसका है, थाईलैंड का पुखराज है और आंध्रा का पुखराज है, कितने पुखराज हैं जो अपने येलो सफ़ायर हैं, कितनी कौन सी खान का पहनना चाहते हो, कौन सी खान का बढ़िया है, ये आपको नहीं पता। जैसे कि मूंगे में ताइवानी मूंगा, जापानी मूंगा, इंडियन मूंगा, कौन सा आप डालना चाहते हो, यही आपको ये नहीं पता कि स्टोन कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा है, ग्लास फिलिंग तो नहीं है, ये आपको कोई अच्छा जोहरी ही बता सकेगा। लेकिन जोहरी ने आजकल कहाँ डिग्री कर रखी है, उसको जो बता देते हैं वो कर लेता है। डिग्री करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले पढ़िए फिर जानिए फिर धंधा कीजिए। इसलिए मैं कभी किसी को स्टोन नहीं देता, जो मेरे पास आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसको पहनाना चाहिए उसको ही देता हूँ। और दूसरी बात रही स्टोनों में डुप्लीकेसी, 99% है, सिर्फ 1% ओरिजिनल है। आपको मैंने बताया ये भेद, और कई ग्रंथों में ये लिखा है जब कभी शुक्र ग्रह धरती के इर्द गया था, बिल्कुल नज़दीक आया था और धरती के नज़दीक जिस लैंड के ऊपर गुजरा था वहीं से ही डायमंड निकलता है। आपको पता है इस बात का, डायमंड सिर्फ वहीं से ही निकलता है जहाँ से शुक्र ग्रह नज़दीक से गुजरा था। बहुत भेद हैं, वो आपको ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा स्टोनों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रहों के बारे में। ये जो ग्रह होते हैं हमारे भीतर ही हैं, जो ब्राह्मिंडे सो ही तत्पिंडे, कहते हैं 9 ग्रह हमारे भीतर हैं। सूर्य यहाँ पे है, चंद्र यहाँ पे है, बुध यहाँ पे है, गुरु यहाँ पे है, सूर्य बुध गुरु, ऐसे ही 5 जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये सब ग्रह ही हैं। शुक्र यहाँ पे है हमारी नाभि के भीतर में। इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका, चलो आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर घुटनों में दर्द हो रहा है समझ लीजिए शनि खराब हो गया, अगर माथे पे दर्द हो रहा है समझ लीजिए आपका मंगल खराब है, अगर आंखों में परेशानी है आंखों की है तो समझ लीजिए शुक्र की राशि आपकी खराब है, शुक्र है, किडनी की प्रॉब्लम है शुक्र खराब है,
अरे भाई लीवर की प्रॉब्लम है तो मंगल खराब है, पेट की प्रॉब्लम है सूर्य खराब है, देखना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम है आपको, कौन सी बीमारी है, कौन सा स्टोन डलता है। बीमारियों के बीच में भी स्टोन डलते हैं, वो देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टोन डलता है। पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती, यही आपको समझाने के लिए आपके सामने आता हूँ। कभी भी कुछ भी लेना हो तो अपनी जान पहचान से अच्छे ढंग से जान लीजिए, क्या ये वाकई में वो चीज़ है जो आप लेना चाहते हो। और सही बात है प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम सिर्फ दिक्कतों के लिए ही जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमें ये दिक्कत है, हमारी कुंडली देखिए, इस वजह से भी जाइए कि ये स्टोन देखिए ये सही है या नहीं है। हालांकि कुछ लोग तो यही कहेंगे कि आप हमसे लेंगे तो ही सही मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपके पास कोई सही चीज भी हो, उसको भी कोई जो है वो गलत करार दे दे कि ये जो स्टोन है ये गलत है। तो इसके लिए आपको किसी बहुत ही अपने विश्वसनीय के पास जाना होगा जो आपको सही मार्ग बताए, क्योंकि ये स्टोन्स जो हैं इनमें जो प्रॉफिट वैल्यू कही जाती है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो आपसे कोई इस तरह से पैसे तो नहीं बटोर रहा कि जिससे आपको नुकसान हो रहा है या उसको फायदा हो रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर ज्योतिषी के पास स्टोन्स का ज्ञान हो ही हो, क्योंकि इसके लिए जो स्टडी होती है वो अलग होती है। सो आप क्या मानते हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में, ये सब कुछ आपको वही इंसान जो है बता पाएगा जो खुद उसके बारे में ज्ञानी होगा, ज्ञाता होगा। तो आपने ये एपिसोड देखा स्टोन्स के ऊपर, उसकी हिस्ट्री से लेके आज तक का जो सिनेरियो चल रहा है आपने उसके बारे में देखा। तो अब अगर आपने कॉल करनी है प्रोफेसर साहब को, चाहे वो स्टोन्स के लिए हो, चाहे वो कुंडली के लिए हो, चाहे किसी दिक्कत के बारे में बात करनी हो, चाहे सिर्फ पॉजिटिविटी लेनी हो, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। फोन पे वो बात नहीं करते हैं, फोन वो रखते भी नहीं है अपने पास, फोन पे बात नहीं करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मिलने आना पड़ेगा, चाहे उनका ऑफिस लुधियाना में हो, चाहे चंडीगढ़ में वो बैठे हों, आपको मिलने आना पड़ेगा। और समय समय पे वो अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए, अगर इकट्ठे अपॉइंटमेंट्स जैसे आ जाती हैं तो वो चले भी जाते हैं, कभी अमृतसर चले जाते हैं, कभी हिमाचल चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको भी जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर जो है वो यही है। अब अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।